हे एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल साक्षी बगे। सो आप टाइटल से तो ऑलरेडी जान चुके होंगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने हेयर फॉल को किससे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। हेयर लॉस के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है, मुझे भी पहले होता था, तो आप उसे किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए, देन प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लॉन्ग हेयर पर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ। चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला स्टेप होता है हमारे हेयर वॉश का होता है ऑयलिंग। आपको ऑयलिंग के बाद ही अपने हेयर को वॉश करना है। अगर आपने अपने हेयर पे ऑयलिंग नहीं किया ना, तो आप अपने हेयर को वॉश बिल्कुल भी मत करिए। कम से कम आप 30 मिनट्स के लिए हेयर ऑयल अप्लाई करके रखिए, उसके बाद ही आप अपने हेयर को वॉश करिए। इससे आपको फर्क दिखेगा कि जो आपके हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो आपके साथ मैं आगे कुछ हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ, शैम्पू कंडीशनर शेयर करने वाली हूँ, जो कि करेंटली मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मेक श्योर पहले आप अपने हेयर को ऑयल करिए, उसके बाद ही आप अपने हेयर को वॉश करिए। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर के सारे टैंगल्स को रिमूव कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं ऑयल अप्लाई करती हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शेषा का ऑनियन हेयर ऑयल। इसे अच्छे से मैं अपने स्कैल्प पे पहले अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। एंड इसी ऑयल की हेल्प से मैं अच्छे से अपने हेयर लेंथ पर ऑयलिंग करती हूँ। ये मेरे जो डैमेज हेयर है ना, उसे रिपेयर करता है। उसके बाद मैं अपने बालों को सिक्योर कर लेती हूँ एंड इसे ओवरनाइट के लिए मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने हेयर को वॉश करती हूँ। सो अपने हेयर को वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अभी शेषा का ऑनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। सो पहले इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये है शेषा का ऑनियन ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर, ये इनका ऑनियन रेंज है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेषा का ऑनियन हेयर ऑयल। इसमें भृंगराज एडेड है, ये बूस्ट करता है हमारे हेयर ग्रोथ को, रिपेयर करता है डैमेज हेयर को। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है, पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। 100% नेचुरल है एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। आपको 200 ml मिलता है एंड इसकी प्राइस है 395 rupees। सो यहाँ पर जो कॉम वाला वेरिएंट है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी इजी हो जाता है अप्लाई करने पे। सो जो हम नेचुरल घर पे ऑयल बनाते हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आता है, बट इससे कोई भी स्मेल नहीं आता है। अच्छे से हेयर को मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं शेषा का ऑनियन शैम्पू के बारे में, जिसमें कि है रीठा एंड शिकाकाई। सो जो रीठा है ना, वो नेचुरल शैम्पू का काम करता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें रीठा एडेड है। ये भी बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ को, रिपेयर करता है डैमेज हेयर को। इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है। प्राइस की बात करूँ तो 445 rupees है, 300 ml आपको मिलता है एंड आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है। ऐसे जो ट्रांसपेरेंट शैम्पू होते हैं उसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो ये आपके हेयर को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एकदम माइल्ड शैम्पू या ऑयल हेयर टाइप के लिए है। अब बात कर लेते हैं शेषा का ऑनियन कंडीशनर विथ रीठा एंड शिकाकाई। सो जो शिकाकाई है वो हमारे हेयर को स्मूथ बनाता है। इसमें भी पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन नहीं है एंड ये भी आपके हेयर रिपेयर करता है आपके डैमेज हेयर को। 445 rupees प्राइस एंड आपको 300 ml आपको मिलती है इसकी क्वान्टिटी। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो अच्छे से आपके हेयर को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप थिकनेस देख सकते हैं, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी पे है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। सो इसके हेयर वॉश के बाद आप देख सकते हैं मेरे हेयर पे रिजल्ट, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये रेंज। तो अगर आप भी इस रेंज को ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। इसके बाद हमारे हेयर वॉश का जो सेकंड स्टेप होता है वो है कॉम्बिंग। आपको हमेशा हेयर वॉश से पहले अपने हेयर को डीटैंगल करना ज़रूरी है। इससे आपके हेयर अच्छे से क्लीन होंगे, आपके हेयर फॉल कम होंगे। सो आप जिस डायरेक्शन में अपने हेयर को वॉश करते हैं, जैसे कि मैं डाउन करके वॉश करती हूँ, तो मैं डाउन करके अपने हेयर को कॉम कर लेती हूँ पहले, उसके बाद ही अपने मैं हेयर को वॉश करती हूँ। अगर आप बैक साइड में रख के वॉश करते हो तो आप बैक साइड रख के अपने बालों को कॉम कर लीजिए। इससे आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, आपके हेयर काफ़ी अच्छे से क्लीन होते हैं। तो आप भी हमेशा हेयर वॉश से पहले अपने हेयर को कॉम कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शैम्पू। सो सबसे पहले हमने किया ऑयलिंग, उसके बाद हमने किया कॉम्बिंग हेयर वॉश से जस्ट पहले, एंड थर्ड स्टेप में हम आते हैं शैम्पू पे। तो आपको शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो आपको सूट करता है वो शैम्पू यूज़ करिए। आप पैराबिन सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करिए। मैंने अभी आपके साथ ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर शेयर किया, जो कि मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है रिसेंटली, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं।
तो शैम्पू अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। सो हम क्या करते हैं, शैम्पू को इस तरीके से पाम पे लेते हैं, जस्ट अप्लाई करते हैं हमारे स्कैल्प पे, हेयर लेंथ में, इससे कि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं भी ऐसा ही करती थी, बट आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना। इससे क्या होगा, आपकी क्लियर क्रिएट हो जाती है स्कैल्प पे, जिससे कि आपके हेयर फॉल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप हमेशा डाइल्यूट कर लीजिए शैम्पू को वाटर के साथ, आप मग में कर सकते हैं या भी आप किसी भी कंटेनर में कर लीजिए, उसके बाद आप अपने हेयर पे उसे अप्लाई करिए। इससे आपके हेयर अच्छे से क्लीन होंगे एंड आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड मेक श्योर करिए कि जो आप शैम्पू आप यूज़ करें उसके बाद आप अच्छे से अपने बालों को क्लीन करिए, बिल्कुल भी आपके हेयर पे शैम्पू नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप, वो है कंडीशनर का। सो आपको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डल, डैमेज एंड ड्राई लुक दे रहे हैं ना, तो आपको कंडीशनर मस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर मैनेजेबल है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ कंडीशनर, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मेरे बाल मैनेजेबल लगते हैं। सो आपको कौन सा कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, आप कोई सा भी अपना फेवरेट कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको सूट होता है वो। सो कई लोग क्या करते हैं, कंडीशनर को अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं। आपको स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, कंडीशनर में केमिकल्स होते हैं ना यार, वो आपके बालों को स्मूथ करते हैं। सो आपको सिर्फ अपने इस हेयर लेंथ में अप्लाई करना है, आपको स्कैल्प पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। इस कारण से भी आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड मेक श्योर करिए कि आप जब भी कंडीशनर अप्लाई करते हैं उसे 5 मिनट्स के लिए रहने दीजिए, उसके बाद अच्छे से आप अपने बालों को रिंस करिए। बिल्कुल भी आपके बालों में कंडीशनर नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप अपने बालों को क्लीन करिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, आपके हेयर फॉल रिड्यूस हो जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने बालों को किस तरीके से ड्राई करते हैं। अगर आप भी इस तरीके के मोटे टॉवल की हेल्प से अपने बालों को ड्राई करते, अपने बालों को बांधते हैं, तो आप अभी इसे स्टॉप करिए। काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, हैवी होता है, जिससे कि ना जो आपके हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे हेयर रूट रहते हैं ना, वो हेयर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो आप इस तरीके को स्किप करिए, स्टॉप करिए इस तरीके के टॉवल को यूज़ कर। आप इस तरीके का टॉवल यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट रहता है, पतला रहता है। तो आप इससे अपने बालों को बांधिए, अपने बालों को ड्राई करिए, इससे आपके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, हैवी नहीं होता है। सो अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ कि आपको कभी भी हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने बालों को ड्राई करने के लिए। आप नेचुरली उन्हें ड्राई होने दीजिए। अगर आप हेयर ड्रायर का यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप कूल एयर फंक्शन की हेल्प से अपने बालों को ड्राई करिए। अगर आप हॉट एयर यूज़ करते हैं और आपके स्कैल्प पे यूज़ करते हैं, तो आपके हेयर फॉल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं हॉट एयर से। तो आप कूल एयर का यूज़ करिए, बट मैं कहूँगी कि आप नेचुरली उन्हें ड्राई होने दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है जब आपके हेयर डैम्प रहते, मतलब गीले भी नहीं रहते, सूखे भी नहीं रहते ना, तब आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी हेयर सीरम, आप लिवॉन का, स्ट्रेक्स का, मैट्रिक्स का, लॉरियल का, आपको जो भी फेवरेट, आप उसे यूज़ करिए, या फिर आप एलोवेरा जेल यूज़ करिए थोड़ा सा, या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप डैम्प हेयर में फ्यू ड्रॉप्स, आप 2-3 बूंद आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, उसे अच्छे से थोड़ा रब करिए, वार्म करिए अपने पाम के बीच में, अपने हेयर लेंथ पर जैसे अप्लाई कर लीजिए। इससे आपके हेयर बहुत ही इजीली डिटैंगल होंगे, आपकी जो भी उलझन अपने बालों पे ना जल्दी से सुलझ जाएंगे। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, इससे भी आपके हेयर ब्रेकेज काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। एंड अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं, मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ। फर्स्ट आपको अपने हेयर को ऑयलिंग करनी है, नेक्स्ट आपको अपने हेयर को कॉम करना है अपने हेयर वॉश से पहले, थर्ड आपको शैम्पू को अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करना है, फोर्थ कंडीशनर आपको अप्लाई करना है, आपको उसे भी स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना, 5 मिनट्स के लिए अच्छे से रहने देना है, उसके बाद अच्छे से अपने बालों को रिंस कर लेना। आपको कुछ भी शैम्पू कंडीशनर आपके हेयर पे नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद फिफ्थ आपको अपने हेयर को ड्राई करना है टॉवल की हेल्प से, सिक्स आपको अपने हेयर को नेचुरली ड्राई करना है, एंड जब वो डैम्प रहते हैं तो आपको उसे भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे बातों को अपने ध्यान पे रखेंगे ना, तो आपकी हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। बिलीव मी, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। एंड आपको अपने गीले बालों में कॉम नहीं करना है, आपके बाल जब पूरे ड्राई हो जाते हैं कम्प्लीटली, आप उसके बाद ही अपने हेयर को कॉम करिए। एंड आप मेरे साथ अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, आप इन स्टेप को फॉलो करने के बाद आपके हेयर फॉल रिड्यूस हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे तो हुए हैं, तो होप सो आपके भी हो जाएंगे। एंड मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए, जैसे कि करेक्ट वे टू ऑयल योर हेयर, करेक्ट वे टू वॉश योर हेयर, करेक्ट वे टू ड्राई योर हेयर, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
सो इस वीडियो में मैंने कोई ये नहीं बोला कि आपको यही प्रोडक्ट यूज़ करना है, आपको जो सूट करता है आप उसे यूज़ करिए। ये कुछ बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना, आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपके जो हेयर फॉल है उसमें कंट्रोल आएगा। सो ये था आज का वीडियो। सो होप सो फ्रेंड ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ मेरे वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पास ही आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, आप उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और आप मुझे मेरे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ताक्षी बघेल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।